मोदी ने जिसे बनाया मुख्यमंत्री, उनकी सबके सामने हो गई गजब बेइज्जती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की कमान संभालते ही मोहन यादव लगातार एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं। लगातार हर जगह उनकी चर्चा भी है और उनकी तारीफें होती रहती है। लोग कहते हैं कि ये बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन अब इतने परफेक्ट मुख्यमंत्री को अचानक से ट्रोल क्यों किया जा रहा है? सीएम मोहन की ऐसी किरकिरी हुई है कि खुद मोदी भी हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सीएम मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया के सामने बैठे हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सीएम मोहन को यही नहीं पता कि किस मुद्दे पर बात करनी है। जी हाँ, हुआ कुछ यूं कि मोहन यादव पहली बार आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे। कहा जा रहा है कि उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान का सीएम मोहन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साथ बैठे नेता से मोहन यादव पूछ रहे हैं कि लाइन क्या रखनी है। यानी सीएम मोहन पूछना चाह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात के लिए हो रही है। यानी सीएम मोहन को यही नहीं मालूम कि बैठक में हुआ क्या। आप पहले वायरल वीडियो देखिए। लाइन क्या रखना? संगठनात्मक क्लस्टर की बैठक इन लोगों को बुलाया और बाकी कार्यक्रम अभियानों की चर्चा की है, आगे क्या क्या काम करने निर्देशित किया। बाकी लोग, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत आज आजमगढ़ में। तो सुना आपने किस तरह से सीएम मोहन अपने पास बैठे नेता से विषय पूछ रहे हैं और वो सब कुछ बता रहा है। अब इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम है, बस भौकाल ऐसे ही बनाया जाता है। असल में तो सीएम को कुछ पता ही नहीं है। जनता सीएम मोहन को ट्रोल कर रही है, उनकी बेइज्जती कर रही है। सुरभि नाम के यूजर ने मोहन यादव के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव यूपी के आजमगढ़ आए, वहां वो भूल गए कि उन्हें किस मुद्दे पर बात करनी है। एक और यूजर ने लिखा, रिमोट कंट्रोल सीएम। अरुणेश कुमार यादव ने लिखा, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, यूपी दौरे पर आए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी भूल ही गए किस मुद्दे पर करनी थी बात। रंजन यादव नाम के यूजर ने लिखा है, ये तो हाल है मोहन यादव जी का, इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इन्हें खुद नहीं पता है क्या बोलना है। तो कुछ इस तरह से मोहन यादव को ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। वे आजमगढ़ में भाजपा के क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में शामिल हुए। जी हां, उसी बैठक में जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था और जिसकी जानकारी वो दूसरे नेता से ले रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे, मोहन यादव के वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा में हर जगह पार्टी का मत प्रतिशत बढ़े, भाजपा के पक्ष से लोग जुड़े, इस नाते से पूरा देश का अभियान चल रहा है। खासकर इनकी क्लस्टर रचना हमारे द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी द्वारा बनाई गई है और इसी सिलसिले में अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम चालू है। उत्तर प्रदेश के मेरा पहला प्रवास आजमगढ़ का है। मैं यहाँ मेरे तो इसलिए और गौरव की बात है कि 200-400 साल पहले मेरे फोर फादर, मेरे पूर्वज यहीं से गए थे, तो आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष रिश्ता भी है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आकर के अत्यंत आनंदित भी हूं और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से तैयारी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ के क्लस्टर इंचार्ज जी के नेतृत्व में, मैं आप माननीय चौधरी जी को, माननीय शाही जी को बधाई देना चाहूँगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा दिनों दिन उन्नति कर रही है और जिस प्रकार से दुनिया में मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व दिख रहा है, अब हम रोज हर दिन हर प्रकार की घटनाओं में मोदी जी का इम्पेक्ट पाते हैं, मोदी जी का प्रभाव पाते हैं। अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान को लेकर के माननीय मोदी जी ने 22 जनवरी का दिन तो एक तरह से इतिहास में अमर कर दिया है और ये मोदी जी का ही प्रताप है कि अरब जैसे एक मुस्लिम कंट्री में भी एक मंदिर के लोकार्पण के लिए वो वहाँ जा रहे हैं और कल कतर की जो समाचार आए हैं। तो कदम कदम पर मोदी जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री का जो पद है ये बहुत महत्व का होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहीं है तो भारत में है,